हेलो बच्चों, वेलकम इन पीवीसी एकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास प्लस वन केमिस्ट्री के बारे में, जिसके अंदर हम बात करेंगे चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डिफरेंट टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट मेथड टू बैलेंस ए रिडॉक्स रिएक्शन। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो आज का हमारा टॉपिक होगा बैलेंस ए गिवन रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के कौन कौन से मेथड होंगे, इसके अंदर हम बात करेंगे दो मेथड के बारे में। नंबर वन, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के बारे में। सेकंड हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के बारे में। तो टू डिफरेंट मेथड के द्वारा आप एक रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसके लिए स्टेप्स होंगे, उसी स्टेप को आप फॉलो करोगे। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जिसके अंदर आप रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दिए हुए स्टेप को फॉलो करोगे। आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सबसे पहले आप ये फाइंड करोगे कि कौन से एलिमेंट की ऑक्सीडेशन होगी और कौन से एलिमेंट की रिडक्शन होगी और कितने इलेक्ट्रॉन से होगी। उसके बाद उन दोनों के ऊपर आने वाले चार्ज को बैलेंस करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। स्टेप नंबर थ्री के अंदर सभी एटम को बैलेंस करोगे अदर देन द ओ एंड एच। इसके अलावा रिएक्शन कौन से मीडियम में होगी, एसिडिक मीडियम के लिए इस स्टेप को फॉलो करेंगे और बेसिक मीडियम के लिए इस स्टेप को फॉलो करेंगे। तो इस बात को एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। आपके पास एग्जांपल कॉपर प्लस NO3 इनएक्टिव, दोनों ने आपस में रिएक्ट किया और फॉर्मेशन हुई NO2 कॉपर 2+। सबसे पहले सभी का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। इसमें कॉपर का 0 होगा और ऑक्सीजन का -2। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे X3-2=-1, तो आपके पास आएगा +5। इसी तरह से NO2 के अंदर नाइट्रोजन का आएगा +4। आप सभी का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। इसके बाद आप फाइंड करेंगे कि कौन से एलिमेंट की ऑक्सीडेशन और कौन से एलिमेंट की रिडक्शन होगी। आप देखोगे कॉपर 0 से +2 में चला गया, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा लॉस हुए। लॉस होने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अगर बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन +5 से +4 में गया, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। 1 इलेक्ट्रॉन से इसका क्या होगा, रिडक्शन। तो सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाले एलिमेंट को आइडेंटिफाई करोगे। स्टेप नंबर 2 में चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे इस कंपाउंड को और 1 से मल्टीप्लाई करोगे कॉपर को। तो देखिए आपके पास आएगा 1 कॉपर
2NO3 नेगेटिव, NO2 कॉपर 2+। स्टेप नंबर 3, सभी एलिमेंट को, सभी एटम को बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा। इसमें 2 नाइट्रोजन, इसमें 1 नाइट्रोजन, तो 2 से करेंगे मल्टीप्लाई। इसके आगे स्टेप नंबर 4 को फॉलो करेंगे। ये रिएक्शन होगी एसिडिक मीडियम में, ये आपको दिया होगा। तो एसिडिक मीडियम के अंदर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप ऐड करोगे वाटर। इसमें टोटल 6 ऑक्सीजन और इस तरफ 4, मतलब कि 2 ऑक्सीजन कम। तो इसके लिए आप ऐड करोगे 2 वाटर। इसके बाद H को बैलेंस करने के लिए H+, कितने हाइड्रोजन है ये, 4, तो आप प्लस करोगे 4H+। तो इस तरह से आपकी रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस होगी बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा। और ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हुई थी। इसके अलावा एग्जांपल नंबर 2 की बात करेंगे। एग्जांपल नंबर 2, आपके पास Fe2+ रिएक्ट विद Cr2O7 2 नेगेटिव, H+ गिव राइज Fe3+ क्रोमियम 2+, लास्ट में वाटर। तो आप देखोगे इसमें आएगा क्रोमियम 3+। तो आप देखोगे इसके अंदर H+ का मतलब रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगी। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाले एलिमेंट को। Fe2+ से 3+ में गया, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब कि इसमें होगा ऑक्सीडेशन बाय 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें क्रोमियम की, तो इसके अंदर क्रोमियम का निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो 2x7-2=-2, 2x=12, x=+6, तो आपके पास आएगा +6। क्रोमियम +6 से +3 में गया, मतलब कि डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, और इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन से डिक्रीज हुआ। इसमें होगा पहले रिडक्शन बाय, अगर बात करें क्रोमियम एटम की, तो 1 क्रोमियम के द्वारा 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, और 2 क्रोमियम के द्वारा गेन, और 2 क्रोमियम के द्वारा 6 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में, चार्ज को बैलेंस करने के लिए। इससे 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे Fe2+ को, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्रोमियम डाइक्रोमेट को, बाकी सभी को लिखेंगे सेम। इसके अगले स्टेप में देखेंगे बैलेंस ऑल द एटम अदर देन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, सभी एटम को बैलेंस करेंगे O और H के अलावा। तो आप देखोगे इस तरफ टोटल 6 Fe के एटम्स, तो 6 से करेंगे मल्टीप्लाई। क्रोमियम के यहाँ पे 2 एटम, यहाँ पे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। इसके आगे रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगी। O को बैलेंस करने के लिए आप ऐड करोगे वाटर। तो इस केमिकल इक्वेशन के अंदर आप देखेंगे किस तरफ ऑक्सीजन कम, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 7, यहाँ पे कितने हैं 1, तो आप इसमें ऐड करोगे 6 वाटर। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपने ऐड किए 6 वाटर। अब आप देखेंगे H+ कितने हैं यहाँ पे, 12 और 2 14,
तो यहाँ पे आप ऐड करोगे 13H+, 13H+ ऐड करेंगे फॉर द एसिडिक मीडियम। इन सभी को कंबाइन करेंगे तो आपके पास आएगा Fe2+, Cr2O7 2 नेगेटिव, 14H+, 6Fe3+, 2Cr3+, 7 वाटर। तो इस तरह से एसिडिक मीडियम के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस हो गई। इसके आगे हम बात करेंगे बेसिक मीडियम के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन के बारे में। बेसिक मीडियम की बात करें तो आपके पास MnO4- नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और बनेगा MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव। दिया होगा आपको कि ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में होगी। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाले एलिमेंट को। इसमें मैग्नीज की निकालोगे तो +7, इसमें निकालोगे तो +4 और Br की फाइंड करोगे तो आपके पास आएगा +5। तो सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद मैग्नीज +7 से +4 में गया, मतलब कि 3 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुए। कम होने का मतलब रिडक्शन बाय 3 इलेक्ट्रॉन। Br की बात करें तो Br में 6 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए, ऑक्सीडेशन बाय 6 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आप देखोगे 3 और 6 अगर इसको सिंपलीफाई करें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2। 3 और 6 को अगर सिंपलीफाई करें तो 1:2 आएगा, मतलब कि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे Br को, तो आपके पास इस तरह से आएगा। इसके आगे हम बात करेंगे बैलेंस ऑल द एटम अदर देन द O एंड H। मैग्नीज यहाँ पे 2 तो 2 लगा दिए, Br यहाँ पे 1 और यहाँ पर 1। बेसिक मीडियम के अंदर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप लगाओगे OH। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 8 और यहाँ पे 7, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप लगाओगे OH नेगेटिव। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH नेगेटिव। इसके बाद हम क्या करेंगे, H को बैलेंस करने के लिए आप ऐड करोगे वाटर। जितने वाटर आप ऐड करोगे उतने ही OH नेगेटिव राइट साइड में भी ऐड करोगे, तो तभी O और H बैलेंस होंगे। सबसे पहले O को बैलेंस करने के लिए OH, OH को बैलेंस करने के लिए वाटर, और जितने वाटर आप ऐड करोगे उसके दूसरी साइड उतने ही OH नेगेटिव को ऐड करोगे। इसके बाद इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा Br नेगेटिव प्लस वाटर 2MnO2 BrO3 नेगेटिव OH नेगेटिव OH नेगेटिव, तो आपके पास आ जाएंगे 2OH नेगेटिव। तो ये था टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, टू बैलेंस ए रिडॉक्स रिएक्शन अक्कर इन द बेसिक मीडियम बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो आज के वीडियो में हमने बात की कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा आप रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करोगे। इसके लिए हमने बात की एसिडिक मीडियम के लिए और बेसिक मीडियम के लिए, दोनों के लिए कंडीशन डिफरेंट थी। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे हाउ वी बैलेंस ए रिडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।